नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। गुरुवार सुबह जानकारी मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ऑफिस का मेन गेट टूटा हुआ मिला। ऑफिस में गमले भी टूटे हुए मिले। मौके पर लगे सीसीटीवी में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पूरे मामले में छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा, देर रात अज्ञात व्यक्ति के द्वार मुख्य गेट पर पत्थर फेंका गया, इससे गेट का एक हिस्सा टूट गया। हमला एक व्यक्ति द्वारा ही किया गया है। हालांकि इस दौरान किसी को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, ना ही कार्यालय के अंदर से कोई चीज गायब हुई है। तोड़फोड़ के दौरान ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। निर्मल ने कहा, किसी शराबी ने हंगामा किया होगा, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष पर किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। यह पहला वाकया नहीं है जब राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के अंदर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है। इससे पहले भी राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हॉस्टल से लोहे की रॉड और गेट चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। एक बार तो हॉस्टल के छात्रों ने इस तरह की वारदात करने वाले युवकों का पीछा कर उन्हें पुलिस को सुपुर्द किया। गांधीनगर थाने के ड्यूटी ऑफिसर मुकेश ने बताया, तोड़फोड़ की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुबह 7 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि 23 जनवरी को महारानी कॉलेज छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आरयू के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और महासचिव अरविंद के बीच झगड़ा हुआ था। मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक रामलाल शर्मा के सामने अरविंद जाजड़ा ने निर्मल चौधरी के थप्पड़ मारकर मंच से नीचे गिरा दिया था। इसके बाद दोनों छात्र गुटों के बीच काफी मारपीट हुई। दोनों छात्र नेताओं का झगड़ा होने के बाद जाट समाज के लोग एक करने में जुट गए थे। फिर दोनों के बीच सुलह करवा दी गई। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए जाट समाज के लोगों ने दोनों के बीच विवाद को खत्म करवाया। राजस्थान में इस बार मार्च के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी के मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी वो फेल हो गई। दरअसल फरवरी के आखिरी दिन मौसम केंद्र से मार्च से मई का फोरकास्ट जारी हुआ था। इस मार्च के पहले सप्ताह में तापमान सामान्य से ऊपर रहने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई थी। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बादल बारिश और ओले गिरने से तापमान कंट्रोल रहा। वहीं अब 14 मार्च से 6 जिलों में बारिश की संभावना है। जयपुर में स्थिति देख तो मार्च में औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। पिछले 2 दिन जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। जयपुर में 15 फरवरी के बाद से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही दर्ज हो रहा था, जो 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसी तरह कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अब तक मार्च में तापमान इतना नहीं गया जितना फरवरी में पहुंच गया था। लगातार 3-4 दिन थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, बादल बारिश, ओलावृष्टि होने से राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है। इससे गर्मी कंट्रोल रही। अब शुक्रवार से मौसम साफ होने लगा है। कई शहरों में दिन का तापमान अगले 2 से 3 दिन के करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 15 मार्च के बाद राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक चला जाता है, जबकि जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में तापमान 35 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। इस बार ऐसा मुश्किल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में 14 मार्च से एक बार फिर बारिश शुरू होगी। इससे तापमान फिर से कंट्रोल होने लगेगा। 14 मार्च से जो सिस्टम बनेगा उसका असर 20 मार्च तक बने रहने की संभावना है। ये सिस्टम भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। राजस्थान ही नहीं, देश भर में H3N2 नाम के वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग आ रहे हैं। उन्हें ठीक होने में 10 से 12 दिन तक लग रहे हैं। 7% बच्चों को तो कंडीशन बिगड़ने पर ICU तक में भर्ती कराना पड़ा। वायरस फ्लू श्रेणी का है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह देखा जा रहा है, यानी बुखार के साथ फेफड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। चिंता की बात यह है कि कर्नाटक और हरियाणा में इस वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है।
एक्सपर्ट्स ने बताया कि ओपीडी में आने वाला हर तीसरा या चौथा मरीज H3N2 या इससे मिलते जुलते वायरस की चपेट में आ रहा है। मरीज के तेज बुखार के बाद लंबे समय तक खांसी चलने की शिकायत ज्यादा आ रही है। प्रदेश में अचानक से केस बढ़ने लगे तो मीडिया ने प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की मदद ली, उनसे ये जाना कि यह वायरस क्या है, कितना कहर बरपा रहा है। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत सक्सेना ने बताया कि यहां OPD में हर तीसरा चौथा मरीज तेज खांसी बुखार की शिकायत लेकर आ रहा है। इसमें ज्यादातर मामले H3N2 के अलावा इससे मिलने वाले अपर रेपिस्टेटरी इन्फेक्शन UR एडिनो वायरस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के हैं। ये वायरस मौसम के बदलाव के साथ एक्टिव होते हैं और तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं। इसमें बुखार सामान्यतः 3 से 4 दिन रहता है, लेकिन कुछ केस में 6 से 7 दिन में भी बुखार ठीक नहीं हो रहा। हालांकि राहत की बात तो यह है कि जितने भी मरीज इन वायरस की चपेट में आ रहे हैं उसमें 95% केस हल्के लक्षण यानी सीवियर नहीं है। हालांकि कुछ मरीजों से निमोनिया जैसी कंडीशन बन रही है। ग्रामीण की पीपाड़ शहर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ फोटो अपलोड करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। अपराध कंट्रोल करने के लिए पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर बदमाशों को फॉलो करने वाले के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही कर रही है। गिरफ्तार युवक ने कुछ दिनों पूर्व ही सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड की थी। ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने और बदमाशों के महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पीपाड़ शहर थाना अधिकारी घेवर सिंह गुसाईवाल SI प्रमीत चौहान के नेतृत्व में टीम गठित की थी। इस टीम ने महावीर 24 पुत्र मोहनराम विश्नोई निवासी कोसाना को गिरफ्तार किया है। युवक ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर हथियार की फोटो अपलोड की थी। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कोई भी युवक जो सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर अपराधियों का महिमा मंडन करना, हथियारों के साथ फोटो अपलोड करने वालों के अकाउंट चिन्हित कर रही है। खेमेबाजी की सुर्खियों के बीच राजस्थान भाजपा ने विधानसभा चुनाव के एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी जीत के लिए भाजपा ने इस बार छोटे छोटे प्लान बनाए हैं। माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है। एक एक विधानसभा सीट के एक एक बूथ की मैपिंग चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस ओवरऑल विधानसभा सीट के बजाय हर बूथ को मजबूत करने पर है। बूथ मैनेजमेंट के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने के काम को पार्टी ने लगभग पूरा कर लिया है। अब इसके वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इन 10 लाख लोगों का एक ही मिशन रहेगा, वोटिंग के दिन हर मतदाता को बूथ तक लेकर आना। इसके लिए प्रत्येक 12 से 15 घरों पर एक सक्रिय कार्यकर्ता तैनात किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए भाजपा का प्लान पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति से निकाला है। PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग में शामिल नेताओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए कुछ टिप्स दिए थे। अब इन पर राजस्थान भाजपा पूरी तरह से फोकस होकर ग्राउंड पर उतर चुकी है। कमजोर सीटों के साथ साथ कमजोर बूथों का अलग से कैटेगराइजेशन किया जा गया है, ताकि प्रत्येक बूथ पर किस तरह काम करना है इसकी क्लैरिटी हो रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन के स्तर पर ग्राउंड वर्किंग के साथ चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले चेहरों का चयन करने के लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। सेंट्रल लीडरशिप की ओर से लगातार हो रहे सर्वे के रिजल्ट को प्रदेश नेतृत्व की वर्किंग से भी मैच कराया जाएगा, ताकि कहीं कोई गैप नहीं रहे। ए श्रेणी में वे 26,347 बूथ शामिल किए गए हैं जो पिछले 3 चुनाव में भाजपा ने जीते। यहां वोट मार्जिन बढ़ाने का भाजपा काम कर रही है। भाजपा का मानना है कि ये बूथ ऐसे हैं जहां उसकी विचारधारा से जुड़े मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उसे हर चुनाव में यहां विपक्षी दल से ज्यादा वोट हासिल होते हैं। इन बूथों पर ज्यादा फोकस करके भाजपा की कोशिश रहेगी कि यहां नए वोटर्स को जोड़ा जाए, ताकि इन बूथों पर मिलने वाली लीड के दम पर कमजोर बूथों पर होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। 20 श्रेणी के बूथों में वे 15,050 बूथ शामिल है, जहां भाजपा को पिछले 3 चुनाव में कभी जीत मिली तो कभी हार। सबसे ज्यादा इन्हीं बूथों पर भाजपा काम कर रही है। पार्टी का मानना है कि जब 3 चुनाव में कभी न कभी इन बूथों पर पार्टी ने विपक्षी दल से ज्यादा वोट हासिल किए हैं, तो यहां गुंजाइश ज्यादा है।
इन बूथों पर अलग अलग फैक्टर्स को चिन्हित किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि जब जीते तो यहाँ क्या कारण रहे और जब हारे तो क्या कारण थे। सी श्रेणी के बूथों में वे 9,959 बूथ शामिल है जहां भाजपा पिछले 3 चुनाव में लगातार हार रही है। यहां 2008 से लेकर 2018 तक कभी भी भाजपा को बढ़त नहीं मिली। अब ऐसे बूथों में वोट हासिल करने की रणनीति के तहत यहां के फैक्टर्स पर मंथन किया जा रहा है, उन कारणों को ढूंढा जा रहा है जिनकी वजह से भाजपा को इन बूथों पर वोट नहीं मिलते। यहाँ भाजपा का प्लान है कि ऐसे वोटर्स तक पहुंच बनाए जो न्यूट्रल वोट हैं और जिन पर संपर्क करने की पार्टी को इन बूथों पर वोट हासिल हो सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गोलियों से भूनने वाले 2 आरोपियों को अलवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी से बहरोड अलवर की ओर आ रहे एक आरोपी को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने बताया कि एक एनकाउंटर में बहरोड SHO के पेट में गोली लगी लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट से उनकी जान बच गई। वहीं पुलिस की फायरिंग से आरोपी के पैर में गोली लगी और उसका इलाज चल रहा है, जबकि दूसरे आरोपी को भिवाड़ी के करीब पहाड़ी क्षेत्र में पकड़ा है। बेनीवाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह बहरोड हत्याकांड के 2 आरोपियों अजय खोरी और रवि बेगपुर को गिरफ्तार किया है। रविवार को नाकाबंदी के दौरान निम्भोर बहरोड से और रवि को भिवाड़ी के रामपुर से पकड़ लिया गया है। SP ने बताया कि दोनों आरोपी घायल हैं, इलाज के बाद उन्हें थाने ले जाया गया है। आरोपी अजय के पैर में गोली लगी है जबकि रवि अंधेरे के कारण पहाड़ी से गिरने से घायल हो गया। भिवाड़ी SP के अनुसार 7 मार्च को बहरोड के खोरी गांव में एक मंदिर में भाजपा कार्यकर्ता संजय यादव की सिर में 5 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से वे आरोपियों की तलाश में बहरोड में ही कैंप कर रहे थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया था। बहरोड SHO वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि गुरुवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अजय और रवि बाइक पर रेवाड़ी से बहरोड की तरफ आ रहे हैं। इस इनपुट पर पुलिस टीम को अलर्ट किया गया। देर रात 3 बजे पुलिस ने बहरोड थाना इलाके के गांव निभोई से बसई खोर के बीच रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान शुक्रवार सुबह 4 बजे के आसपास आरोपी अजय खोरी अकेला बाइक पर आता नजर आया। पुलिस की टीम वही मौजूद थी। पुलिस को देखकर बाइक घुमाने लगा तो बाइक स्लिप हो गई। अजय खोरी ने पिस्टल से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। गोली पुलिस की बोलेरो कार से बोनेट पर लगी। अगले ही पल अजय ने दूसरा फायर किया और SHO वीरेंद्र पाल सिंह को गोली लग गई। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण SHO की जान बच गई। जवाबी फायरिंग में पहले हवा में फायर किया गया, दूसरा फायर किया तो अजय के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस उसे हिरासत में लेकर बहरोड के कैलाश हॉस्पिटल लाई। इसके बाद उसे बहरोड थाने ले जाया गया। अजय के पास पिस्टल मिली। 2 फायर करने के बाद उसके पास एक जिंदा कारतूस मिला। अजय को दबोचने के बाद पुलिस ने उसे उसके दूसरे साथी रवि बेगपुर के बारे में पूछा। अजय ने बताया कि बाइक पर रवि साथ आया था लेकिन वह उसे हरियाणा बॉर्डर पर ही उतार आया है। पुलिस ने दूसरी टीम को अलर्ट किया। दूसरी टीम को प्रशिक्षु IPS सुजीत शंकर लीड कर रहे थे। जानकारी मिली तो रवि हरियाणा से भिवाड़ी के फूलबाग थाना इलाके में रामपुर की पहाड़ियों में छुपा है। उस वक्त सुबह के करीब 5 बज रहे थे। प्रशिक्षु IPS सुजीत शंकर की अगुवाई में पुलिस ने रवि बेगपुर को घेर लिया। इस दौरान पहाड़ी पर दौड़ते हुए रवि गिरकर घायल हो गया, उसके पैर में चोट लगी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। भिवाड़ी के सरकारी हॉस्पिटल में दिखाकर भिवाड़ी थाने ले गई। आरोपी अजय और रवि से अब बहरोड भिवाड़ी थाना पुलिस हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर रही है। रणथंबोर से एक और बाघिन T-134 को सरिस्का के जंगल में गुरुवार रात 8:30 बजे छोड़ दिया गया। बाघिन को अलवर जिले के सरिस्का जंगल में टहला रेंज एरिया में सरिस्का और रणथंबोर नेशनल पार्क के अधिकारियों की मौजूदगी में छोड़ा गया है। सरिस्का में T-134 का नया नाम ST-30 मिला है। सरिस्का टाइगर रिजर्व DFO DP जागावत ने बताया कि राजस्थान से 2 बाघिन और 1 बाघ लाने की परमिशन पहले ही NTCA से जारी हो चुकी थी। एक बार रणथंबोर से पहले ही सरिस्का आ चुका है। आज बाघिन T-134 को शिफ्ट कर दिया गया है। जागावत ने बताया कि बाघिन T-134 को रणथंबोर में गुरुवार दोपहर 12:25 पर ट्रैकुलाइज किया गया। इसके बाद सड़क मार्ग से सरिस्का लाया गया। रात 8:50 पर ट्राइग्रेस को एनक्लोजर में सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया। बाघिन का नाम अब ST-30 हो गया है, जिसकी मॉनिटरिंग टहला रेंज ऑफिसर की टीम और सरिस्का की टीम कर रही है।
जागावत ने बताया कि इस ऑपरेशन में रणथंबोर के फील्ड डायरेक्टर एसआर यादव, डीएफओ मोहित गुप्ता, सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आरएन मीना और मैं मौजूद रहे। शिफ्टिंग का काम बिना किसी परेशानी के आराम से हो गया। अब सरिस्का में रणथंबोर में एक बाघ और एक बाघिन आ चुके हैं। इस तरह सरिस्का में अब कुल 28 टाइगर हो गए हैं, जिसमें 14 बाघिन, 8 बाघ और 6 शावक है। इस खबर में वन्य जीव प्रेमियों में खुशी है। हालांकि इससे पहले भी टाइगर ST-29 को रात को शिफ्ट करने पर सवाल खड़े हुए थे। सरिस्का से बाघिन को लेने CCF आरएन मीना, DFO DB जागावत पे डॉक्टर दीनदयाल मीना व स्टाफ रणथंबोर पहुंचे थे। ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5, ST-6, ST-9, ST-10, ST-16 व ST-29 व ST-30 होगी। ये सभी टाइगर व टाइग्रेस रणथंबोर से सरिस्का लाए गए हैं। इनमें कुछ की मौत हो चुकी है। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ दिन पहले 2 नए शावक नजर आए थे। टाइगर की संख्या 27 हो गई है। अब नए टाइग्रेस आने में से सरिस्का में 28 टाइगर हो गए हैं। T-134 को कुछ दिन एनक्लोजर में रखने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। टेला की तरफ छोड़ने का कारण यह है कि इस तरह अन्य बाघों का मूवमेंट नहीं है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में गुरुवार को एक और बाघिन को सरिस्का शिफ्ट किया गया है। वन विभाग की टीम ने बाघिन की शिफ्टिंग की कार्यवाही को बेहद गुपचुप तरीके से पूरा किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टर्स की ओर से मीना का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में किरोड़ी लाल के भारी समर्थक एकत्रित हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक अस्पताल परिसर में खड़े हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर व अन्य भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीना से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। बता दें कि वीरांगनाओं की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना शनिवार को एक वीरांगना से मिलने जा रहे थे, तभी गोविंदगढ़ में पुलिस ने उनको रोक लिया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीना से पुलिसकर्मियों की धक्का मुक्की हुई। इस दौरान किरोड़ी लाल मीना की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें गोविंदगढ़ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया।